मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा पुरानी पेंशन पदोन्नति पदनाम क्रमोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कर्मचारी ने रैली निकालकर कलेक्टर के प्रतिनिधि अनिल शर्मा नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं शिक्षक संघ के जिला सचिव शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने बजट सत्र में इस बात की कोई घोषणा नहीं की, जिससे कर्मचारी जगत में आक्रोश है। साथ ही उन्होंने कहा कि NPS योजना छलावा है, कर्मचारियों का 10% और सरकार द्वारा 14% राशि NPS में जमा की जाती है। इस राशि को शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शेयर मार्केट गिरने से पिछले 7 दिनों में प्रत्येक कर्मचारी को 5 से 15 हज़ार का नुकसान हो गया है। सरकार को पुरानी पेंशन देने से औसतन प्रतिवर्ष 2000 करोड़ का तत्कालिक लाभ होगा, जो वह NPS में जमा करती है, जबकि पुरानी पेंशन देने पर 2030 के बाद ही आर्थिक भार पड़ेगा। कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा पुरानी पेंशन ही है। पूरे देश में सभी प्रदेशों में पदोन्नति क्रमोन्नति की प्रक्रिया जारी है, लेकिन हमारे प्रदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहाना लेकर प्रक्रिया को रोक रखा है। सरकार का यह रुख ठीक नहीं है। साथ ही जिला अध्यक्ष जोशी ने बताया कि यदि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो शीघ्र ही भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने में शिक्षक संघ के सभी ब्लॉक तहसील के पदाधिकारी, पंचायत सचिव, पटवारी, नगर पालिका के कर्मचारी भी शामिल हुए। उनको लेक्चरर का वेतन मिल रहा है, प्राचार्य का वेतन मिल रहा है, और उनका पद सहायक शिक्षक है। इसमें एक भी रुपया खर्च नहीं होना, ऐसे सभी साथियों को उनके वेतन मान के अनुरूप परिणाम दिया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि 7वां वेतन लागू हुए बस समय हो गया, पर अभी HR और अन्य प्रशासनिक भत्ते जो 7वें वेतन के हिसाब से मिलना चाहिए वो 6वें वेतन के हिसाब से मिल रहे हैं, उन्हें लागू किया जाए। साथ में हमारे पंचायत सचिव है, पटवारी साथी है, नगर सभी विभागों का राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, वन विभाग है, कर्मचारियों को पेंशन के साथ साथ अन्य लाभ सभी को एक जैसे दिए जाए, भेदभाव न किए जाए। आशा है आप सब आदरणीय शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित, उनसे आशा है कि आप भी उसी कैटेगरी में है। पुरानी पेंशन आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। हमारे कलेक्टर मैडम, हमारे SDM मैडम, पूरे प्रदेश के 90% अधिकारी इस कैटेगरी में, आप अपने स्तर से दबाव बनाइए, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आशा है आप उचित टीम के साथ उस ज्ञापन को बढ़ाएंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए अशोक नगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।